मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि लॉकडाउन लगाने से हिमाचल में बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। आर्थिकी से लेकर विभिन्न प्रकार की दिक्कतें लॉकडाउन लगाने से पेश हो सकती हैं। अगर स्थिति अधिक बिगड़ती है तो हिमाचल सरकार कर्फ्यू लगाने से परहेज नहीं करेगी। बिलासपुर में पत्रकारों को जानकारी देते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि पिछले सत्र के मुताबिक इस बार लोगों में कोरोना का भय कम है, यही कारण है कि कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना से लड़ने के लिए पूरी तैयार है, लेकिन इस बार का स्ट्रेन काफी भयानक है, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे कम पाबंदियां लगाई गई है, लेकिन यह स्थिति सामान्य नहीं हुई तो बंदिशें और भी लगा जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल में कहीं ना कहीं कोविड को लेकर जागरूकता इस बार कम है। सीएम ने माना कि पिछले साल हर व्यक्ति से लेकर महिलाओं तक ने कोविड को लेकर सरकार की मदद की और जागरूक किया। मास्क बांटने सहित अन्य कई मामलों पर जागरूक करना पिछले सत्र हुआ है। इस सत्र इन सभी तैयारियों में हिमाचल छूटा हुआ है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से अब हिमाचल की समस्त जनता से उन्होंने आग्रह किया है कि वह अपने आसपास अन्य लोगों को कोविड को लेकर जागरूक करे ताकि इसको रोका जा सके। रुकेगा ऐसा तो नहीं है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन आने वाले समय में लगाएंगे, क्योंकि जब हम इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो आने वाले जाने वालों को बहुत असुविधा होती है, फिर वो बहुत बड़ा नाराजगी जाहिर करते हैं, बहुत परेशानी होती है, और हम भी नहीं चाहते हैं कि परेशानी किसी वजह से किसी व्यक्ति को। लेकिन फिर भी उसके बावजूद अगर वायरस अगर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, संक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ता है, ऐसी सूरत में कुछ कदम उठाने पड़ सकते हैं। आदमी बहुत सहमा हुआ भी था, अब की बार वो भय बहुत कम है। और दूसरी बात यह है कि अब की बार वैक्सीन का अभियान चला है, उस वैक्सीन पर भी बहुत लोगों को भरोसा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वैक्सीन के अभियान के सफल होने के साथ साथ में संक्रमण भी कम होगा। पिछले साल जैसी अगर स्थिति होगी तो लॉकडाउन की तरफ तो नहीं जाएंगे, कर्फ्यू वगैरह सारी चीज़ों को लेकर के उस वक्त के हालात को देख करके विचार किया जा सकता है, कुछ रिस्ट्रिक्शन पर विचार किया जा सकता है, लेकिन कोशिश हमारी अंततः यही होगी कि लॉकडाउन में ना जाए स्टे, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत असुविधा भी होती है और नुकसान भी बहुत बड़ा होता है। वहीं सीएम ने बताया कि बिलासपुर में बनने जा रहा एम्स अभी तक कोविड को लेकर तैयार नहीं है। उन्होंने बताया कि एम्स में अभी तक भी कोई तैयारियां पूरी नहीं हुई है ताकि यहां पर कोविड मरीजों को रखा जा सके। ईटीवी भारत के लिए बिलासपुर से शुभम राही की रिपोर्ट।